फांसी की सजा। एक बार की बात है, यूनान ग्रीस के सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। फांसी का समय शाम के 6 बजे मुकर्रर किया गया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मान सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा है, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल बड़ा जुशनुमा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर वजीर को फांसी की सजा के बारे में बताया। यह भी बताया कि फांसी शाम 6 बजे दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई दामोशी में वजीर की आवाज गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फांसी की सजा सुनाई गई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो। वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। यह दबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा जानने वजीर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मानते हुए देखा तो वह भी दंग रह गया। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। वजीर बड़े ही अदब से बोला, हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का व्रत शाम 6 बजे मुकर्रर किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का व्रत मिल सका। यदि आप मुझे ये व्रत न देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता? फांसी पर लटकने के पहले मेरे पास शाम तक का व्रत है, ये मैं क्यों जाया करूं? मेरे पास जितना भी व्रत है उसे मैं रुशी रुशी गुजारना चाहता हूं। ये बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को व्रत की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा रुशी रुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। सीख, जिंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। ये जरूर है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आ खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जिएं।